मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा, कक्षा 12वीं जनरल इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। मुझे आशा है कि मेरे जो वीडियोस में आपको ऑनलाइन उसमें दिख रहे होंगे, उनको आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और समझ रहे होंगे, साथ ही साथ नोटबुक में नोट भी कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि आपका 12th जनरल इंग्लिश का जो सिलेबस है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड था। पार्ट ए एडवांस रीडिंग स्किल था, पार्ट बी एडवांस राइटिंग स्किल, पार्ट सी ग्रामर पोर्शन और पार्ट डी जो था वो टेक्स्टुअल पार्ट था। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट बी राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसके अंतर्गत आता है आपका रिपोर्ट राइटिंग, जो कि 6 से 8 मार्क्स की हो सकती है। तो चलिए पहले हम समझ लें कि रिपोर्ट राइटिंग क्या है। जनरली बच्चे क्या करते हैं, जो रिपोर्ट राइटिंग है उसको याद कर लेते हैं और एग्ज़ाम में लिखाते हैं, लेकिन आपको इसके बेसिक्स मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। What is report writing? अब हम पहले समझेंगे कि report writing क्या है, यानी किसी भी बात को लिखना, लिख के दिखाना, एक report तैयार करना। A report is a factual description or account regarding something heard, seen or done. It is like a formal document written for a specific need. जो report होती है एक वास्तविक वर्णन होता है या इसके बारे में घटनाक्रम के बारे में जानकारी होती है। अब कौन सा घटनाक्रम, तो जो आपने कभी सुना, सीन यानी देखा या डन यानी जो हो चुका। इट इज़ लाइक अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट रिटन फॉर अ स्पेसिफिक नीड, जो एक किसी विशेष आवश्यकता के तहत लिखा जाता है, ये वो औपचारिक दस्तावेज होता है। इट मे बी अबाउट एन इवेंट, एन इंसिडेंट, अ फंक्शन, अ प्रॉब्लम, अ सर्वे, एन एक्सीडेंट, अ कन्वर्सेशन, डिस्कशन, एन एक्टिविटी और अ प्रोजेक्ट। स्टूडेंट्स आर जनरली आस्क्ड टू राइट प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स इन स्कूल्स। रिपोर्ट्स कैन बी ब्रॉडली बी क्लासिफाइड एज इंफॉर्मेशनल एंड एनालिटिकल। अब ये क्या हो सकता है, एक कोई घटना, कोई घटनाक्रम की जानकारी, किसी कार्यक्रम की जानकारी, किसी समस्या के बारे में, किसी सर्वे के बारे में, खोज के बारे में, एक किसी एक्सीडेंट या दुर्घटना के बारे में हो सकता है, कन्वर्सेशन किसी बातचीत के बारे में, डिस्कशन कोई चर्चा के रूप में, किसी एक्टिविटी यानी कोई आप एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ कार्यविधि कर रहे हैं, प्रोजेक्ट एक प्रायोजना के रूप में भी हो सकता है। बच्चों को जनरली प्रोजेक्ट रिपोर्ट स्कूल में लिखने को मिलती है। तो जो रिपोर्ट होती है वो 2 प्रकार से बांटी गई है, इनको 2 प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है, इंफॉर्मेशनल एंड एनालिटिकल, सूचनात्मक और विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। अब हम देखते हैं इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट यानी सूचनाप्रद रिपोर्ट क्या होती है। एन इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट प्रेजेंट्स फैक्ट्स ऑफ अ केस, अ प्रॉब्लम, सर्वे, इवेंट्स इन अ फैक्चुअल, प्रिसाइज, क्लियर एंड ऑब्जेक्टिव वे विदाउट एनी एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और रिकमेंडेशन। वाइल राइटिंग इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट द राइटर कलेक्ट्स, कंपाइल्स एंड ऑर्गेनाइज आइडियाज और फैक्ट्स एंड राइट्स इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड वे। एग्जाम्पल, कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट्स, सेमिनार रिपोर्ट्स, ट्रिप रिपोर्ट्स एट्सेट्रा। जो सूचनाप्रद रिपोर्ट जो होती है वो किसी मामले में, किसी समस्या में, किसी खोज या सर्वे में बनाई जाती है, और ये जो होती है वास्तविक होती है, बहुत सटीक होती है और स्पष्ट होती है। इसके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो उद्देश्य होते हैं, वो कैसे प्रेजेंट किए जाते हैं, बिना किसी विश्लेषण के। इसमें लिखने वाले का अपना खुद का कोई मत नहीं होता है, ना ही कोई व्याख्या होती है और ना ही कोई सिफारिश की जाती है। जब इसको लिखा जाता है तो इसमें राइटर उन सूचनाओं को इकट्ठा करता है, संग्रहित करता है और व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करता है। अब हम समझेंगे एनालिटिकल रिपोर्ट यानी विश्लेषणात्मक रिपोर्ट के बारे में। एन एनालिटिकल रिपोर्ट प्रेजेंट्स डेटा विथ इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। द रिपोर्ट राइटर analyzes the fact of a case, problem, survey, event or situation objectively and puts forward conclusions, inferences and recommendation. जो विश्लेषणात्मक रिपोर्ट जो होती है, जो जिनके बारे में हम विश्लेषण देते हैं, उनमें इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस यानी विश्लेषण और व्याख्यापरक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जाता है। इसमें जो लिखने वाला होता है वो किसी भी मामले को, समस्या को, सर्वे को, कोई घटना को या किसी स्थिति को पूरे तरह उसके उद्देश्यों को देखते हुए अपने कंक्लूजन यानी
निर्णय क्षमता तक पहुंचता है, उसकी व्याख्या करता है और उसके बारे में सिफारिश दिया करता है। रिपोर्ट लिखने के पहले जैसा हमने समझ लिया कि रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है, लेकिन उस रिपोर्ट का फॉर्मेट कैसा होता है, तो उसके पहले मैं आपको कुछ चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी कि रिपोर्ट लिखने में बच्चों हमेशा ध्यान रखो, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो तो आप बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस यूज़ करिए, ज़्यादा लॉन्ग सेंटेंसेस में जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा सबसे बड़ी बात, जो भी हम इसमें लिखेंगे वो कैसा लिखेंगे, पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस का आपको इसमें यूज़ करना है। हाँ, लेकिन जब नीचे आप अगर अपना विश्लेषण मत या कुछ देते हैं, क्योंकि नीचे की लास्ट की 2 या 3 लाइंस में आपको अपना मत या अपनी जानकारी जो है वो आप देना चाहते हैं, कंक्लूजन देना चाहते हैं, वो ज़रूर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। तो ऐसा करने के बाद अब हम चलते हैं फॉर्मेट ऑफ अ रिपोर्ट। रिपोर्ट का फॉर्मेट कैसा होता है, पहला फ्रॉम, कौन दे रहा है ये रिपोर्ट, तो उसका नाम और उसका डेजिग्नेशन, उसका पता, वो किस पद पर है। टू, रिसीवर्स नेम एंड डेजिग्नेशन, किसको हम भेज रहे हैं उसको संबोधित किया जाता है। डेट, किस डेट पर हम ये रिपोर्ट बना रहे हैं। फिर है सूटेबल टाइटल हेडिंग, अब इसके बाद जो रिपोर्ट हम बना रहे हैं उसका बिना नाम गांव के दे दिया तो क्या सही रहेगा, नहीं, तो उसका टाइटल हमको देना बहुत ज़रूरी है। इट शुड बी स्पेसिफिक एंड कैची, और कैसा बनाइए, जो बहुत विशिष्ट हो और जल्दी से ही हमको समझ में आने वाला हो। इसकी जो बॉडी होती है रिपोर्ट लिखने की बॉडी, वो ओपनिंग पैराग्राफ टू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट, जब हम कोई पैराग्राफ चालू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो उसमें उस सब्जेक्ट को जिसके बारे में हमको लिखना है उस रिपोर्ट का सब्जेक्ट स्टार्टिंग में देना चाहिए। सपोर्टिंग डिटेल्स और उससे संबंधित डिटेल्स देना चाहिए। कंक्लूजन, अब हम इसका क्या करते हैं, उपसंहार करते हैं, लास्ट में अपना कंक्लूड करके बताते हैं। तो एक्शन टेकन, कौन कौन से हमको इसमें अपने जो एक्शन है या जो प्रतिक्रियाएं हैं वो क्या लेना है। रिक्वायर्ड, क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं। रिकमेंडेशन, कौन सी सिफारिशें अगर कोई एनालिटिकल रिपोर्ट है तो। प्रिडिक्शन, पूर्वानुमान, किसी के बारे में हम किसी होने वाली घटना के पहले ही पूर्व में उसको बता देते हैं तो उसके बारे में एनालिटिकल रिपोर्ट में आता है ये। फिर सिग्नेचर, वाइंडिंग अप रिपोर्ट विद अ समरी, थोड़ा सा उसको समराइज करते हुए करना है और अपने साइन करना है, अपना नाम और डेजिग्नेशन करते हैं। एक हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं और ये बहुत ही बढ़िया है जो हमेशा एग्जाम में आता ही आता है। तो क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन प्रोड्यूस अ राइट अप ऑन द NSS कैंप। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि आपको NSS कैंप के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करना है, एक राइट अप तैयार करना है और उसके लिए आपको कुछ बिंदु निर्धारित कर दिए गए हैं। पहला पॉइंट है NSS कैंप एट प्रतापपुर विलेज। सेकंड पॉइंट होगा आपका 100 वॉलंटियर्स। थर्ड पॉइंट है प्लांटिंग ट्रीज। फोर्थ है क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स। फिफ्थ है एडल्ट लिटरेसी क्लासेस। अब आपको NSS कैंप के बारे में एक रिपोर्ट एक राइटअप मेंटेन करना है, लिखना है, उसमें आपको इन बिंदुओं का भी वर्णन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम उसका टाइटल नेम डाल देंगे, NSS कैंप। अब हम यहाँ पर उन बिंदुओं को लेते हुए स्टार्ट कर देंगे। द NSS यूनिट ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 2 धार, आप यहाँ पर दूसरे स्कूल का भी नाम लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मेंशन नहीं है कि कौन सी स्कूल है। तो NSS यूनिट ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 2 धार ऑर्गेनाइज्ड अ कैंप एट प्रतापपुर विलेज। तो हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 2 धार ने NSS कैंप को कहाँ आयोजित किया, प्रतापपुर विलेज, एक प्रतापपुर नाम के गाँव में। द कैंप लास्टेड फॉर 10 डेज, जो कैंप है वो कितने दिन तक चला, शिविर कितने दिन तक चला, 10 दिन तक चला। प्रोजेक्ट्स वर शॉर्टेड आउट, जो प्रोजेक्ट है, जो परियोजना है, उसको ढूंढ लिया गया, सब इकट्ठा कर लिया गया कि क्या क्या हमको यहाँ पे काम करना है। वॉलेंटियर्स वर्क्स डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स, जो वॉलेंटियर, जो कार्यकर्ताओं का जो समूह था, उनको 4 समूहों में बांट दिया गया। टास्क वर असाइंड टू देम, और उनको उनके जो कार्य हैं वो निर्धारित कर दिए गए। किसको किसको दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल 500 सैपलिंग वर टू बी प्लांटेड। सैपलिंग यानी छोटे छोटे नन्हे पौधे, जब वृक्षारोपण का कार्यक्रम करते हैं तो जो छोटे नन्हे पौधे होते हैं उनको सैपलिंग कहा जाता है। तो 500 के करीब नन्हे पौधे जो हैं उनको प्लांटेड यानी उनको वृक्षारोपित किया गया, उनका वृक्षारोपण किया गया। प्लांट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो उस जिले का था वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट यानी निशुल्क रूप से ये सारे पौधे प्राप्त किए गए थे।
The second phase of the campaign was to educate the villagers about protection of the environment. अब इसका जो दूसरा चरण था इस शिविर का, उसमें क्या करना था कि ऐसे गांव के लोगों को जागरूक करना था और शिक्षित करना था, किस चीज़ के लिए? प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, पर्यावरण के संरक्षण के बारे में उनको जागरूक करना और शिक्षित करना था। कैसे किया? स्ट्रीट्स एंड ड्रेन्स वर क्लीन्ड, जो सड़कें थी और जो नालियां थी उन सबको क्या किया गया? साफ किया गया। जो वॉलंटियर्स थे उनने इसमें गांव के लोगों का सहयोग लेके इसको साफ किया। द विलेजर्स टुक पार्ट इन द क्लीनलीनेस ड्राइव एंथुसियास्टिकली। विलेजर्स जो गांव के लोग थे, एंथुसियास्टिकली माने बहुत अदम्य उत्साहपूर्वक, बहुत ज़्यादा खुशी से, तो उनने सब इस जो सफाई स्वच्छता अभियान था उसमें भी इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर और बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें भाग लिया। द ग्रेटेस्ट अकम्प्लिशमेंट वॉज द सक्सेसफुल कम्प्लीशन ऑफ अवर एडल्ट लिटरेसी कंपेन। और सबसे बड़ा इस शिविर का जो अचीवमेंट था, जो उपलब्ध उसकी योग्यता थी, वो क्या थी, उपलब्धि क्या थी कि एडल्ट लिटरेसी कंपेन, तो जो प्रौढ़ शिक्षा अभियान है उसको बहुत ही अच्छे तरह से सक्सेस रूप से पूरा किया गया। 50 एडल्ट वर अनरोल फॉर एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम। 50 प्रौढ़ लोगों को क्या किया गया? उसमें नामांकित किया गया एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम, यानी प्रौढ़ शिक्षा अभियान के तहत 50 लोगों को, 50 प्रौढ़ व्यक्तियों को एनरोल्ड भी किया गया और उन्हें शिक्षित भी किया गया। दिस वॉज ऑल अबाउट द राइट अप ऑफ NSS कैंप। इस प्रकार से आपको एक राइट अप लिखने को आएगा। इस सबको आप नोटबुक में बहुत अच्छी तरह से नोट करेंगे और इसको अच्छे से याद करेंगे। थैंक यू बच्चों। अगर कोई आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।